कमाल का चीज है। तो पहला मीनिंग इसका है के लिए। अब इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से तुम्हारे लिए हम जान दे सकते हैं और जान ले सकते हैं। तुम्हारा खातिर, दैट इज फॉर, बस समझ लो। उसके बाद जो है से, और तीसरा हिंदी मीनिंग निकल के आया बेटा, हाँ ये तक, ठीक। अब ये सारे मीनिंग होते हैं किसका, फॉर का, प्रपोजिशन के सेंस में। कंजंक्शन के सेंस में मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बस इतना जान जो उसका मीनिंग होता है, इसका कारण है कि या वजह है कि, ठीक है, वो हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे कंजंक्शन में। हाँ सर, तो मैंने क्या बोला कि सर फॉर को प्रपोजिशन की तरह देखेंगे तो क्या क्या आएगा, उससे भी थोड़ा सा हम लोग एक बार रूबरू हो लेते हैं। फॉर के बाद बाबू कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है बेटा। जनरली तुम जानते हो कि सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और या इस ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई वर्ब होगा तो जल्दी से बताओ वर्ब किस फॉर्म में होगा। अभी अभी मैंने बताया किस फॉर्म में बेटा, आईएनजी फॉर्म में होगा। इसी दोनों कंडीशन में, इसी सब मीनिंग, ये ऑब्जेक्ट भी होगा आईएनजी भी होगा, तो इसका मीनिंग ये सारा निकल के आता है जो आपके सामने मैंने लिखा है। क्या समझ में आ गया? इसको अब लिखिए, जो लिख लिए लिखे भाई, लिख लिए। अब देखो कुछ एग्जांपल्स इसको समझो। जैसा आप एकदम प्यार में पागल हो गए और किसी को कह रहे हो आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, चलो इस तीनों को समझते हैं, लिख लो जल्दी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ मिया। मैंने कहा कि फॉर प्रेपोजिशन तब होएगा, फॉर प्रेपोजिशन तब होएगा जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा, ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन दिख जाए इसके बाद, या क्या दिख जाए बाबा, या फिर इसके बाद क्या दिख जाए चाचा, जी है सर। तो यही तो मैंने कहा, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं भाई। तो आगे लिए फॉर है, फॉर के बाद यहां पे जो आया ये अपने आप में एक प्रोनाउन है, और ये अपने आप में फॉर यहां पे कैसा काम करने लगा। हाँ चाचा ये तो प्रपोजिशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और मीनिंग है के लिए। मैंने कहा था भाई तुम्हारे लिए एक लेटर है, देख लो जाके टेबल पे। तो मैंने कहा देयर इज अ लेटर, ये देयर इज का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा जाता है, बात समझ रहे हो। ये देयर इज भी हो सकता है और वॉज भी हो सकता है, प्रेजेंट के लिए इज और पास्ट के लिए was। तो मैंने कहा देयर इज अ लेटर फॉर यू। ए जनन, हाँ सर, ए तुम्हारे लिए एक लेटर है जी। तो क्या कहोगे, देयर इज अ लेटर फॉर यू, तुम्हारे लिए, मतलब के लिए। बात समझ में आया, समझ में आया। हाँ, तो ये सही है सर, यहां भी ये फॉर क्या है चाचा, प्रपोजिशन है, आगे प्रोनाउन आ गया। ये पढ़ो क्या लिखा हुआ, शी कैन डू एवरीथिंग, कुछ भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, किस चीज के लिए, हाँ डांस करने के लिए। मतलब डांस उसका इतना पैशन है, शौक है कि भैया तुम सोच नहीं सकते हो, रात के 2 बजे बस फोन करे बोलो भाई ना, पढ़ नहीं पॉइंट। तो यही है सिंपल सा बंदा। तो यहाँ पे वो डांसिंग के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ पे फॉर जो है कंजंक्शन है। क्या बाबू हो गया करी चावल में सर का, ये इतना सा फेवरेट चीज बाबा, यह प्रपोजिशन है ना, और प्रपोजिशन क्या कहता है कि हम अपने बाद वर्ब कौन से फॉर्म में लेते हैं, दैट्स ओके, लिखो। तो ये होता है फॉर के साथ, ये कांड किया जा सकता है जो ड्यूरेशन को देखा है। इसको ऐसे भी समझो, मैंने कहा पीरियड है तो पीरियड जो है ड्यूरेशन को दिखाएगा चाचा। अब ड्यूरेशन को दिखाएगा समझो पहले, जैसे मैंने कहा लिखो मत, आई हैव बिन
वेटिंग फॉर हर, आई हैव बीन वेटिंग I have been waiting for her for पर लंबा समय होता है, पर ये जरा क्या लिखा हुआ है, इज इट करेक्ट और नॉट, सोच समझ के सही है या गलत है, अरे बोलो सही है, कैसे कैसे मैं ये हैव का आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है, ये बताते हैं धीरे धीरे सीखो, आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा उसका, तो उसके लिए आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर, कितना देर से हो, 3 घंटा हो गलो भाई लेकिन फोनमा ऑफ आ रहा है, हो सकता है ऐसा कभी कभी है? अब सर यहां फॉर प्रेपोजिशन ही है, यहां भी फॉर क्या है सर प्रेपोजिशन, यहां भी फॉर प्रेपोजिशन, कैसे पता चल रहा है बताओ, कैसे पता चल रहा है, तो कभी पढ़ने का मन नहीं करता ना, तो सब कुछ नहीं समझ आता है, मास्टर कितना भी अच्छा पढ़ा बस देखते रहिए आराम से, इसमें आपको कोई जेबरा दिखेगा, ये जो चिंपैंजी दिख रहा होगा कुछ लोगों को, ये जो है कुछ और दिख रहा होगा, वो कुछ और दिख रहा होगा, सनी देवल दिख रहा होगा, ठीक है समझो सर, बात ये है कि सर यहां पे देखो ये प्रोनाउन है बोलो हाँ या ना, यहां पे देखो ये टाइम एक्सप्रेशन है बोलो हाँ या ना, ये जो 3 घंटा है पीरियड ऑफ टाइम को दिखा रहा है, ये तो आपका प्रोनाउन है सर, तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, काम तो दोनों ऑब्जेक्ट की तरह कर रहा है, तो यहां भी प्रपोजिशन यहां भी प्रपोजिशन, लेकिन अंतर है दोनों के मीनिंग में, अरे बोलो हाँ या ना, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, हाँ लिए के लिए, मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूं या उसका इंतजार कर रहा हूं, यहां है बात समझ में आ रहा है, यही डिफरेंस होता है चीजों को समझने का, लिखो इसे, ओहो बिग इट फॉर सेंस 10 मिनट्स, ठीक है भाई साहब बताइए क्या होगा, बेक का मतलब पकाना है, इसको 10 मिनट के लिए पकाओ भाई, 10 मिनट तक पकाओ इसको, अब क्या यूज करें बताओ, रीजन बताओ, यहां पे सेंस होगा या फॉर होगा, क्योंकि यहां पे 10 मिनट्स है, और चाचा जब 10 मिनट्स है दैट इज इंटरवल ऑफ टाइम, सेगमेंट ऑफ टाइम नहीं है ये, इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, कैसा टाइम भाई, और चाचा एंड चाची हो जो पीरियड ऑफ टाइम आ चुका है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, हिंदी में बताओ, क्या दोनों मीनिंग नहीं आ रहा है, आ रहा है ना सर, बेक इट 10 मिनट के लिए पकाओ या फिर 10 मिनट तक पकाओ, बात समझ में आ रहा है, लिखो इक्वेशन और लिखो बाबा, हमको भी बहुत खुशी हो रहा है आप लोग इतने दिन के बाद पढ़ाने, मतलब टीचर एक ऐसा जॉब है ना टीचिंग, कि नहीं पढ़ाइएगा बच्चों के बीच नहीं रहिएगा ना, मन ही नहीं लगेगा, घर पे लग रहा था कि हम विधवा हो गए, कोई है ही नहीं मेरा जीवन में, सही बताते हैं आप लोग को ऐसा, इसमें से अगर किसी के पेरेंट्स या कोई रिलेटिव टीचर होंगे ना, उनसे जाके बात करके देखना, अब दिन भर जिसको बक बक करने का आदत हो गया, लोगों के बीच रहने का आदत हो गया, उसको घर में बैठा दिए, और उसमें भी मेरा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, कुछ काम नहीं था मैं बैठे हुए, फिर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिए, एक मूवी देखे हॉरर मूवी था, बहुत डरावना मूवी था लेकिन डर नहीं लगा, दिक्कत यही है सर, हमारे उसमें था कि लिखा हुआ था हॉरर मर्डर ये सब, उसमें भूत कहता है कि आप रुक सकते हैं यहां पे कोई दिक्कत नहीं, उसने कहा था यू कैन स्टे हियर फॉर 10 डेज,
क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? रुक जाओ, लिखो नहीं, पहले बताओ। हाँ, एक मूवी में ऐसा कहा था, वही दिमाग में आ गया, कंज्यूरिंग एक मूवी है हॉलीवुड की। हाँ हाँ बोलो, हाथ उठा रहा है। हाँ? कस के बोलना, नहीं सही है ना? अच्छा, हम बोला कुछ और बोलना चाह रहे हैं क्या? बैठ जाइए, थैंक यू। यू कैन स्टे हियर, इसका मीनिंग? तो गुस्सा में काहे देख रहे हो, मुस्कुरा के देखो। यू कैन स्टे हियर, आप यहां रुक सकते हैं चाचा। कितने दिन के लिए? हाँ, 10 दिन के लिए आप रुक सकते हैं। यू कैन स्टे हियर फॉर 10 days। सही है बाबा, इसमें इतना क्या स्ट्रेस लेने का, थोड़ा सा जीवन को लाइट बनाइए ना। ये फॉर है, यहाँ पे 10 days है, मीनिंग क्या हो गया? आप यहाँ 10 दिन तक रुक सकते हैं, 10 दिन के लिए भी रुक सकते हैं या फिर 10 दिन तक भी रुक सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों मीनिंग आ गया सर। इन ऑर्डर टू हेल्प Somebody public something. In order to help somebody public something. ऐसा कैसे, किस तरीके से काम कर रहा है? ध्यान दो बाबू, सबसे पहले प्रेपोजिशन हाईलाइट कर लो। प्रेपोजिशन कौन कौन है बताओ? इसमें फॉर, इसमें कौन है? फ्रॉम, टू, यहां कौन है बाबा? ठीक है, अगर गौर से देखते हैं तो कैन यू डू इट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो? हेल्प मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, सही है सर, फॉर का यूज किया गया। कैन यू ट्रांसलेट दिस लेटर, ये वाला पढ़े थे फ्रॉम और टू, याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा होगा, जब टू पर आए थे, इन टू पर आए थे, तो मैंने बोला था कि फ्रॉम का कॉम्बिनेशन कौन होता है? टू होता है। तो कैन यू ट्रांसलेट दिस लेटर, क्या आप इस लेटर को ट्रांसलेट कर सकते हैं तेलुगु से हिंदी में? किसके लिए? हमारे लिए। तो हेल्प ही मांग रहे हैं, यहाँ पे फॉर का यूज किया गया हेल्प दिखाने के लिए। और अगला, प्लीज वेट फॉर द कंट्री, प्लीज कृपया करके इसे कीजिए। किसके लिए? देश के लिए। तो यहाँ भी ये सर फॉर प्रेपोजिशन हो गया हेल्प मांगने के सेंस में, और सारा प्रेपोजिशन इसलिए क्योंकि आगे यहाँ प्रोनाउन है बेटा, यहाँ नाउन है, यहाँ प्रोनाउन है। क्लियर हो गया? फॉर में और भी बहुत कुछ सीखेंगे अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, ठीक है।